समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्मी क्षेत्र में संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास को मरम्मत की दरकार है। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने छात्रावास में काफी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन बिल्डिंग काफी पुरानी होने के कारण पिछले दिनों गिरी मावट से ही कमरों में सीलन आ गई। ग्राउंड रोड से नीचे होने के कारण बारिश में मैदान में पानी भर जाता है। वार्डन का कहना है कि पिछले वर्ष भी ग्राउंड में मिट्टी जलवाई गई थी, लेकिन पिछले दिनों हुई हल्की सी बारिश में ही ग्राउंड में पानी भर गया। बरसात के समय ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चे निकल भी नहीं पाते। अभी छुट्टियां होने के कारण अधिकतर बच्चे गांव गए हुए हैं। जो बच्चे यहां पर रुके हुए हैं उनके लिए खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की जाती है। बरसात के समय ज्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि कमरे पुराने होने के कारण बरसात में टपकने लग जाते हैं, जिससे कमरों में बच्चों के सोने तक की व्यवस्था नहीं रहती। वहीं छात्रावास की क्षमता 100 विद्यार्थियों की है, लेकिन कोरोना के बाद छात्रों का रुझान छात्रावास की ओर कम हुआ। वर्तमान में करीब 70 से ज्यादा छात्र यहां पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। अभी इस समय हम खड़े हैं राज्य के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास, जो आर्मी एरिया के अंदर है। यहां पर लगभग 100 बच्चों की कैपेसिटी है। वर्तमान में यहां पर 78 बच्चे रहते हैं। यहां के वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि बच्चों को दोनों टाइम खाना दिया जाता है, टाइम से नाश्ता दिया जाता है। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और अब तक यहाँ से कई बच्चे सरकारी जॉब भी लगे हैं। हालांकि बिल्डिंग पुरानी होने के कारण हल्की सी बरसात में ही सीलन आ जाती है, ग्राउंड में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। अधिकारियों का भी प्रयास रहता है कि समय समय पर यहाँ पर आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं। बच्चों के लिए खेलने की यहाँ पर सामग्री है, जिम करने की व्यवस्था है। यह एकमात्र ऐसा छात्रावास है जहाँ पर बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था भी की गई है। STN न्यूज़ के लिए राजेंद्र यादव की रिपोर्ट। 78 कैपेसिटी तो 100 का है सर, कुल 100 का स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ इस साल नए सत्र 2023-24 में 78 लड़के प्रवेशित हुए थे। उनमें सारे रेगुलर रह रहे हैं। अभी तो बड़े दिनों के शीतकालीन अवकाश की वजह से गांव चले गए और सर्दियों की छुट्टियां भी लग गई। अभी 13 तारीख तो कलेक्टर साहब के आदेश से छुट्टियां लग रही है और कुछ लड़के अभी गए, 10-15 लड़के हैं जो स्कूल गए हैं अभी तो। यहाँ और व्यवस्था सारी अच्छी है, शाम सवेरे दोनों टाइम खाना मिलता है। क्या मेन्यू रहते हैं खाने का, किस टाइप से करते हैं सर? सवेरे 5 बजे 5:30 बजे के आसपास लड़के उठाते हैं, उनके बाद में फिर स्वच्छ वगैरह होते हैं, नहाने धोने लग जाते हैं। उसके बाद 7 बजे इनको नाश्ता दे देते हैं। नाश्ते के बाद में फिर 9 बजे खाना बन जाता है, 10 बजे का स्कूल है, फिर 10 बजे स्कूल चले जाते हैं सारे लड़के। शाम को 5 बजे आते हैं, 5 बजे आकर पाची हुई, 5 से 6 का खेलकूद का ये खेलते हैं, वॉलीबॉल वगैरह, वॉलीबॉल भी, कबड्डी भी खेलते हैं और टेनिस भी है। और फिर उसके बाद में शाम को 6 से 7 का खाने का प्रोग्राम। खाने का मेन्यू क्या रहता है, किस टाइप से देते हैं, सप्ताह में कोई अलग सर, देते हैं? सवेरे तो सुबह नाश्ता भी देते हैं सर, पोया और कभी दलिया भी है 2 दिन, और अंकुरित चने वगैरह भी देते हैं सवेरे नाश्ते में, दाल और रोटी और सलाद भी देते हैं। और उसके शाम को बाहर के हरी सब्जी शाम के टाइम में चावल भी देते हैं, एक दिन छोड़े एक दिन और भी कुछ है